गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का जो वेबिनार है उसमें हम बात करेंगे कि टाइम ऑफिस जो कंपनी है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल है, बाकी अदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी है जैसे कि गार्ड टूर मॉनिटरिंग सिस्टम है, होटल लॉक्स, विला लॉक्स वगैरह है, मल्टी डोर कंट्रोलर्स है, यूएचएफ रीडर्स है, तो उसके और हम बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है अभी कि हमारी जो ये फील्ड है उसमें ज्यादातर क्या होता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो अपनी जो भी कस्टमर है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उसके हिसाब से जो हम जो पार्टनर्स वगैरह है उसको मॉडल सजेस्ट करना रहता है कि आपके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ये वाला मॉडल जो है वो सही रहेगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होगी तो आप सही से उसको ट्रीट कर पाओगे, सही मॉडल जो आप उसको सजेस्ट कर पाओगे। तो मैं हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अलग अलग है, तो मैं चाहूंगा कि आप जो लोग जो है वो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए इस वेबिनार में, तो बहुत सारी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसकी डिटेल्स आपको, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह अच्छी तरह से आप मिल पाए। जैसे हम आगे स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देखेंगे कि अटेंडेंस डिवाइसेस कौन कौन सी है, कि अगर रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से कि उसको जो कस्टमर वगैरह है उसको सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस पर्पज से ये डिवाइसेस चाहिए तो उसमें कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है वो हम पहले देखेंगे। तो स्टार्ट करें तो सबसे बेसिक मॉडल हमारे पास अवेलेबल है वो है Z100N करके, जिसमें ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो है फिंगरप्रिंट, कार्ड, पासवर्ड एंड कॉम्बिनेशन। तो Z100 जो है इसमें पे आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, कार्ड मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि ऑथेंटिकेशन मेथड जितनी भी आपको वहां पे मिल रही है उसमें से दो या तीन का आप कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, जैसे फिंगरप्रिंट कार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन रखना है। कॉम्बिनेशन मतलब किस तरह से काम होगा कि अगर मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल आप फिंगरप्रिंट और कार्ड का कॉम्बिनेशन रखते हो, किसी एम्प्लॉय का जो है आपने फिंगरप्रिंट भी एनरोल करवा दिया और वही आईडी पे उसका एक कार्ड भी आपने एनरोलमेंट कर दिया, उसके बाद आपने ऑथेंटिकेशन मेथड में कॉम्बिनेशन में रखा जैसे फिंगरप्रिंट और कार्ड, तो अगर वो फिंगरप्रिंट एंड कार्ड दोनों एक ही साथ वहां पे पंच करेगा तभी उसका पंच अटेंडेंस जो है वो मार्क होगी, एक ऑथेंटिकेशन मेथड से वो मार्क नहीं होगा अगर आप कॉम्बिनेशन वाला यूज करते हो। नेक्स्ट अगर उसकी यूजर कैपेसिटी की बात करें तो 1000 यूजर उसकी कैपेसिटी है, ट्रांजेक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1 लाख डेटा रिकॉर्ड की कैपेसिटी है। ट्रांजेक्शन कैपेसिटी मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल किसी कस्टमर के वहां पे 10 एम्प्लॉयज है, ओके, तो वहां पे क्या होगा कि सुबह एक पंच करेगा, शाम को एक पंच करेगा, एक एम्प्लॉय जो है वो सुबह इनका पंच करेगा, शाम को एक आउट का पंच करेगा, तो एक एम्प्लॉय जो एक दिन के दो पंचेस करेगा। वैसे टोटल 10 एम्प्लॉयज है तो टोटल मिला के 20 पंचेस हो गए, तो वो जो 20 है वो उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं कि 20 ट्रांजेक्शन एक दिन में हो, उसी तरह से 1 लाख टोटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी इसकी रह जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिस्प्ले हम देख लेते हैं, तो डिस्प्ले इसमें 2.4 इंच TFT कलर स्क्रीन आपको मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो काफी अच्छा बेहतरीन फिंगरप्रिंट सेंसर हमने यूज किया है, वो है 500 dpi हाई रिजोल्यूशन प्रिंट सेंसर हमने यूज किया हुआ है। दूसरी चीज अगर गौर करने वाली हर एक मॉडल के अंदर ये रहती है कि उसका कम्युनिकेशन मेथड क्या है। कम्युनिकेशन मेथड मतलब कि मशीन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह लॉग्स वगैरह वहां पे सेव होंगे वो लोग आपको सॉफ्टवेयर वगैरह में लेने रहते हुए, आप ऑनलाइन वाला यूज करते हो, ऑफलाइन वाला जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करो उसके जो डेटा है वो आपको पहले उसमें ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन मेथड अलग अलग रहती है, जिसमें एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेन ड्राइव और USB केबल का ऑप्शन, तो पेन ड्राइव से आप डेटा इसमें ले पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें बैटरी बैकअप की बात करते हैं, तो बैटरी बैकअप इसमें हमने ऑप्शनल दिया हुआ है, मतलब कि इसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, आपको विदाउट बैटरी बैकअप चाहिए वो भी मिल जाएगा और बैटरी बैकअप के साथ चाहिए तो भी मिल जाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर आपको एक्सटर्नली ये मिल जाएगी कि इसमें से आप डायरेक्टली एक्सेल में आउटपुट ले पाओगे, मतलब कि आपको अगर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज नहीं करना है तो डायरेक्टली आप पेन ड्राइव में एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकोगे जिसमें पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको डायरेक्टली एक्सेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें अगर बात करें तो एक और स्पेसिफिकेशन भी फैसिलिटी अंदर दी गई है, जिसमें एक LED इंडिकेशन का दिया हुआ है कि जैसे कोई बंदा फिंगरप्रिंट या कार्ड से पंच करता है तो ऊपर ग्रीन कलर की LED होगी अगर वो ऑथोराइज्ड है, तो अगर वो ऑथोराइज नहीं है, उसका रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो रेड कलर का LED इंडिकेशन वहां पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो Z305 करके मॉडल है, जिसमें हमारे पास टोटल 3 वेरियंट्स में अवेलेबल है। जैसे हम बात करें कि Z3 वेरियंट्स की किस तरह से, तो एक बात करें कि Z305 है, दूसरा जो है वो है Z305C, तीसरा जो है वो Z305CB।
मतलब 30305 जो है उसमें आपको फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए मिल जाएगा। यूजर कैपेसिटी की बात करें तो सेम है, ट्रांजेक्शन भी सेम है, उससे अलग क्या है उसकी बात करें तो इसमें हमको आपको मिल जाएगा कम्युनिकेशन मेथड जो है इसमें आपको एक TCP/IP का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब कि उसको लैन केबल बोलते हैं, लैन केबल से भी आप डेटा वगैरह फेच कर पाओगे। इसमें लैन केबल का प्रोविजन दिया है, मतलब कि ये जो है वो जो अभी तक हमने जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर देखा उसके तहत अगर आपका कोई फिंगरप्रिंट सेंसर या डिवाइस यूज करना चाहते हो तो आप ये 305 वाला मॉडल यूज कर सकते हो। अगर उसके वेरिएंट्स की बात करें तो 305C में आपको कार्ड एक्सटर्नली मिल जाएगा, और जो दूसरे CB की बात करें, Z305CB जो मॉडल है उसमें आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो फेस में हमारे पास बेसिक मॉडल में अवेलेबल है Z500V2U करके, ये सेम है Z100 की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको फेस और पासवर्ड दो ऑथेंटिकेशन मेथड मिल जाएंगे। फेस कैपेसिटी 1000 तक मिल जाएगी, पासवर्ड कैपेसिटी भी 1000 तक मिल जाएगी। इसका कम्युनिकेशन मेथड की बात करें तो इसमें आपको पेन ड्राइव से ही डेटा लेना पड़ेगा, इसमें लैन पोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसमें भी आपको डायरेक्टली एक्सेल में आउटपुट मिल जाएगा। इसमें जो कैमरा लेंस है वो हमने दो तरह के कैमरा इसमें यूज किए हुए, जैसे एक हो गया कलर कैमरा और दूसरा हो गया इंफ्रारेड कैमरा। अगर प्रॉपर लाइटिंग वहां पे है, पंचिंग के टाइम प्रॉपर लाइटिंग है तो कलर कैमरा ऑपरेट होगा, अगर वहां पे लाइट कम है या फिर नाइट का टाइम है, कोई रात का टाइम है, तो इंफ्रारेड कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, मतलब कि इसका वर्किंग मोड जो है तो डे और दिन में और रात में आप कभी भी इसको यूज कर पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो Z500V2 करके मॉडल है हमारे पास, जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन मेथड में जो है तो आपने उसमें फेस मिल जाएगा, फिंगर मिल जाएगा, कार्ड और पासवर्ड, चारों की चारों ऑथेंटिकेशन मेथड आपको वहां पे मिल जाती है। फेस कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 1000 फेस मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट कैपेसिटी की बात करें तो 5000 फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे आपको, कार्ड कैपेसिटी की बात करें तो वहां पे 5000 कार्ड कैपेसिटी भी उसकी मिल जाती है। ट्रांजेक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें टोटल 3 लाख डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी बनी हुई है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 2.8 इंच की डिस्प्ले है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कम्युनिकेशन मेथड में आपको इसमें क्या मिल जाएगा, पेन ड्राइव मिलेगा, लैन पोर्ट मिल जाएगा, और हमारे पास वाईफाई वाला भी मॉडल इसमें अवेलेबल है। अगर आपका कम्युनिकेशन मेथड वाईफाई से करना चाहते हो, अगर आप लॉगिन जो है वो ऑनलाइन वाला पोर्टल यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन देना कंपलसरी रहता है, तो आप वाईफाई से भी इसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे अटेंडेंस कब एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि अगर आपको किसी की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से कि जो कस्टमर है उसको जो एक डोर जो है उसको एक्सेस करवाना है, एक्सेस मतलब कि ऑथराइज फिंगर या फेस कुछ भी वहां पे डाले, कार्ड डाले, तभी वो डोर जो है वो ओपन होना चाहिए, तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट की उसको डोर एक्सेस भी करवाना है, साथ ही साथ जो भी है उसका डेटा रिकॉर्ड भी चाहिए कि कौन किसने कब ये डोर ओपन किया था, कब वो बाहर निकला, कब वो अंदर गया था, उस तरह से उसको प्रॉपर रिकॉर्ड भी चाहिए उसके, तो वो अटेंडेंस कम एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस यूज कर सकता है। उसमें कौन कौन से डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है, उसमें अगर बात करें तो हमारे पास Z200BW करके एक मॉडल अवेलेबल है, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट, कार्ड, पासवर्ड एंड कॉम्बिनेशन वहां पे भी मिल जाता है। यूजर कैपेसिटी की बात करें तो 3000 यूजर इसकी कैपेसिटी है। ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख डेटा रिकॉर्ड की कैपेसिटी है। फिंगरप्रिंट इसमें भी हमने 500 DPI का हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज किया हुआ है। अगर कम्युनिकेशन मेथड की इसमें बात करें जिसमें आपको पेनड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, TCP/IP मतलब लैंड पोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और वाईफाई भी इसमें इनबिल्ट आता है, मतलब आप इसके वाईफाई के साथ भी आप इससे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो Z300AC करके एक मॉडल है, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट, कार्ड, पासवर्ड एंड उसका कॉम्बिनेशन वगैरह मिल जाएगा। यूजर कैपेसिटी की बात करें तो सेम एस 200BW की तरह ही है, 3000 यूजर्स। ट्रांजेक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1,60,000 तक इसका डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी है। ये जो है ये जो मॉडल है वो स्पेसिफिकली हमने एक्सेस कंट्रोल के लिए डिजाइन किया हुआ है, तो इसको आप एज अ मास्टर स्लेव भी यूज कर सकते हो। मास्टर स्लेव मतलब कि एक जो डोर है आपका उसको अगर दोनों साइड से आपको रिकॉर्ड चाहिए तो दोनों साइड ये सेम डिवाइस आप लगा सकते हो। मास्टर एक साइड लग जाएगा, दूसरे साइड हम उसको स्लेव सिलेक्ट कर पाएंगे। उसमें बेनिफिट क्या रहेगा आपको कि जो एनरोलमेंट है, सभी एनरोलमेंट का पहले एनरोलमेंट करवाना पड़ता है, तो एनरोलमेंट है जो वो आपको एक ही डिवाइस जो मास्टर वाला डिवाइस है उसी में करवाना है। अंदर जो दूसरी साइड लगा उसमें एनरोलमेंट नहीं करवाओगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको अगर इसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है या तो फिर लैन प्रोवाइड करना है डेटा लेने के लिए, तो आपको वो भी सिर्फ एक ही डिवाइस में से वो एक ही डिवाइस को वो प्रोवाइड करना पड़ता है। दोनों के लिए अलग अलग लैन या उसको दोनों के लिए अलग अलग इंडिविजुअली इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना
नहीं पड़ता है। इसमें अगर इनपुट पोर्ट्स की बात करें तो आपको एग्जिट स्विच का इनपुट मिल जाएगा, वीगन इनपुट भी आपको इसके इसमें फैसिलिटी मिल जाएगी। आउटपुट पोर्ट की बात करें तो इसमें भी वीगन आउटपुट भी मिल जाएगा और इसके साथ आप एक्सटर्नल डोरबेल भी लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें मल्टी टाइम जोन सपोर्टेड है, मतलब टोटल 50 टाइम जोन आप 50 टाइम जोन में से इसमें से आप सिलेक्ट कर पाओगे। एंटी पासबैक कंट्रोल का इसमें ऑप्शन दिया गया। एंटी पासबैक बेसिकली है क्या, वो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एंटी पासबैक मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने एक डोर एक्सेस पूरा का पूरा किया हुआ है, दोनों तरफ से मान लो कि हमने सेम डिवाइस ए लगा दिया है और एक जो डोर है उसको एक्सेस किया है। अभी क्या फॉर एग्जाम्पल हम सपोज ये माने कि कोई दो एम्प्लॉय जो है वो बाहर से अंदर जाने चाहते हैं, तो एक एम्प्लॉय नंबर वन ने है उसने अपना कार्ड दिखाया तो डोर ओपन हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड नंबर का उसके साथ जो एम्प्लॉय था उसने अपना कार्ड नहीं दिखाया, एम्प्लॉय वन ने कार्ड दिखाया था डोर ओपन हुआ, उसी के साथ वो सेकंड नंबर वाला जो एम्प्लॉय था वो भी अंदर चला गया। अभी बाहर जाने के वक्त क्या होगा, अगर एंट्री पासबैक सिस्टम जो है वहां पे आपने एक्टिवेट रखा हुआ है तो रिटर्न बाहर निकल के वक्त क्या होगा कि एक नंबर का जो एम्प्लॉय वो अपना अंदर से कार्ड दिखाएगा तो डोर ओपन कर पाएगा, लेकिन जो सेकंड नंबर वाला जो एम्प्लॉय जिसने बाहर से अंदर जाते वक्त अपना कार्ड नहीं दिखाया था वो अंदर से अगर अपना कार्ड दिखा के डोर ओपन करना चाहेगा तो वो डोर ओपन नहीं कर पाएगा, वो रिजेक्टेड आएगा। तो उस तरह से अगर आप एंट्री पासबैक आप एक्टिवेट रखते हो तो एम्प्लॉयज को है जो इन और आउट दोनों पंच करने कंपलसरी हो जाते हो, तो ये भी फैसिलिटी Z300AC में दी गई है। अगर उसमें ऑप्शनल फ्यूचर की बात करें तो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट हम प्रॉक्सिमिटी कार्ड पे इसको ऑपरेट करवाते हैं, जो कार्ड जो है वो आपको प्रॉक्सिमिटी सपोर्टेड होगा, लेकिन आपको इसको माईफेयर कार्ड वाला चाहिए, माईफेयर कार्ड उसको सपोर्टेड करवाना है तो वो भी वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो Z301 करके मॉडल है जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन के लिए फेस, फिंगर, कार्ड एंड पासवर्ड चारों की चारों चीजें मिल जाएंगी। फेस कैपेसिटी की बात करें इसमें आपको 200 फेस तक की कैपेसिटी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट और कार्ड की बात करें तो 1000 फिंगरप्रिंट कार्ड की कैपेसिटी इसमें मिल जाती है, ट्रांजेक्शन कैपेसिटी भी 1 लाख डेटा रिकॉर्ड की है। इसमें आउटपुट पोर्ट की बात करें तो इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात करें इसमें आपको वीगन इनपुट वीगन आउटपुट भी मिल जाएगा। कम्युनिकेशन मेथड की इसमें बात करें तो इसमें आपको पेन ड्राइव एज वेल एज लैन पोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक और भी कम्युनिकेशन मेथड हमारे पास वेरियंट में अवेलेबल है वो है वाईफाई वाला। अगर आपको वाईफाई वाला इसमें वेरियंट में चाहिए कम्युनिकेशन मेथड में तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें आपको वाईफाई भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें ऑप्शनल फीचर की बात करें तो नीचे मैंने लिखा हुआ है वाईफाई एंड P2P, तो वाईफाई की जैसे बात की कि कम्युनिकेशन में आपको वाईफाई वाला चाहिए वो भी मिल जाएगा। दूसरा है P2P, तो जैसे हमने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का जब भी एक वेबिनार किया था तब हमने बात की थी कि अगर आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जो क्लाउड पोर्टल आप जो यूज कर रहे हो उसी के थ्रू आप एक डिवाइस में से एनरोल का डेटा लेके दूसरे डिवाइस में आप ट्रांसफर कर पाओ, मतलब सूरत वाला जो ब्रांच है उसमें सबका एनरोलमेंट करवा दिया, वहां से लेके मुंबई वाला जो ब्रांच है वहां पे सभी एम्प्लॉय ट्रांसफर करने विथ यूजिंग हमारा क्लाउड पोर्टल, तो आपको P2P डिवाइस परचेस करने रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो उसमें आप ये वाला मॉडल भी सिलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो Z203 करके मॉडल अवेलेबल है जिसमें आपको फेस, फिंगर, कार्ड, पासवर्ड चारों की चारों चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी फेस कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 1500 फेस मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट और कार्ड कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000 फिंगरप्रिंट एंड कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। ट्रांजेक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कैपेसिटी दी गई है, वो है 5 लाख डेटा रिकॉर्ड की कैपेसिटी। डिस्प्ले का बात करें तो 2.8 इंच की TFT कलर स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनपुट आउटपुट पोर्ट सेम एस 301 है, वीगेंड इनपुट वीगेंड आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आपको पेन ड्राइव मिल जाता है और लैन पोर्ट मिल जाता है, इसमें वाईफाई वाला मॉडल भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शनल फ्यूचर की तो इसमें आपको अगर 500 फेस जो है वो बाय डिफॉल्ट आते हैं लेकिन उसमें आपको ज्यादा यूजर वाला चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, 3000-20000 यूजर तक का वेरियंट इस मॉडल के अंदर अवेलेबल है। और जैसे हमने बात की 301 में P2P वाला, तो 203 में भी आपको अगर P2P वाला मॉडल चाहिए तो इस वेरिएंट में आप P2P वाला मॉडल भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास Z213 करके एक मॉडल है जो बेसिकली हम उसको प्रोजेक्ट मॉडल बोलते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट वहीं पे ज्यादातर यूज्ड होता है। तो उसमें ऑथेंटिकेशन मेथड की बात करें तो इसमें आपको फेस, फिंगर, कार्ड, पासवर्ड वो तो चीज मिल ही जाती है,
साथ ही साथ आपको फेस कैपेसिटी यहाँ पे 1500 मिल जाती है, फिंगरप्रिंट कैपेसिटी और कार्ड कैपेसिटी भी आपको 5000 तक मिल जाती है, ट्रांजेक्शन कैपेसिटी सेम एज 203 5 लाख तक मिल जाती है, लेकिन जो डिस्प्ले है वो 4.3 इंच की मिल जाती है, मतलब कि बड़ी स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो भी टच पैड के साथ, मतलब टच पूरा का पूरा टच पैनल आएगा, इसमें कहीं भी आपको कीपैड वगैरह नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टच पैड यहाँ पे आपको मिलेगा। इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात करें तो इसमें भी आपको वीगेंड इनपुट वीगेंड आउटपुट मिल जाएगा। कम्युनिकेशन मेथड की बात करें तो सेम एस 203 आपको इसमें पेनड्राइव मिल जाएगा, लैन पोर्ट मिल जाएगा, इसमें वाईफाई वाला भी वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। ऑप्शनल फीचर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3000 यूजर वाला या 20000 यूजर वाला चाहिए तो वो भी वेरिएंट अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे हमने P2P की आगे बात की तो ये मॉडल में भी P2P वाला वेरिएंट अवेलेबल है, तो इसमें भी आपको अगर P2P वाला डिवाइस इस ये वाला परचेस करना चाहते हो तो इसमें भी P2P वेरिएंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि किसी की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि उसको डोर एक्सेस करवाना है लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मतलब कि डोर एक्सेस फिंगरप्रिंट या कार्ड से करवा सकते हो, जो भी आप मेथड यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ डेटा वगैरह आपको स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस जो है उसमें नहीं मिलने वाला है। तो स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है, तो बेसिक जो आता है वो कार्ड और पासवर्ड बेस्ड आता है, जिसमें 2000 फिंगर 2000 कार्ड पासवर्ड की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, जिसमें टच पूरा का पूरा टच कीपैड मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें प्रॉक्सिमिटी कार्ड का आता है लेकिन आपको इसमें माईफाई कार्ड वाला यानी कि IC कार्ड वाला चाहिए तो वो भी इसमें मिल जाएगा। इसमें वीगेंड मोड की बात करें तो इसमें वीगेंड आउटपुट मिल जाएगा, जो मतलब कि इसको जो है आप किसी और मशीन के साथ एज अ स्लेव यूज करना चाहते हो तो उसको एज अ स्लेव भी यूज कर सकते हो। कार्ड रीडिंग डिस्टेंस की बात करें तो इसमें कार्ड ऑथेंटिकेशन मेथड में मतलब कि 5 से 15 सेंटीमीटर तक के इसकी रीडिंग रेंज है, मतलब इतनी रेंज में अगर कोई कार्ड आता है तो ये इजीली रीड कर लेगा। इसकी एक्सटर्नली और कुछ बात करें तो एक्सटर्नली डोरबेल जो है इसमें सपोर्टेड नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर आपको किसी को अगर डोर जो है वो फिंगरप्रिंट से एक्सेस करवाना है तो Z101N करके मॉडल है, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट कार्ड और पासवर्ड तीन चीजें मिल जाएंगी। 500 फिंगरप्रिंट कैपेसिटी है, कार्ड की कैपेसिटी 500 है और पासवर्ड की कैपेसिटी भी वहां पे 500 मिल जाएगी। वीगेंड मोड में बात करें तो सेम एज Z9 आपको वीगेंड आउटपुट मिल जाएगा, मतलब कि किसी भी दूसरे प्रोफेशनल एक्सेस कंट्रोल के साथ एज अ स्लेव आप इसको यूज कर पाओगे। इसकी भी रीडिंग कार्ड रीडिंग डिस्टेंस सेम एज Z9 है, 5 से 15 सेंटीमीटर की रीडिंग रेंज है उसकी। उसके अंदर कभी भी कुछ भी कार्ड आता है और वो अंदर ऑथोराइज है तो उसको आसानी से वो रीड कर लेता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्सेस कंट्रोल है, जो डोर एक्सेस की जैसे हमने बात की उसमें हमने स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस कंट्रोलर देखे, उसमें और कुछ एक्सेसरीज की भी जरूरत रहती है, जैसे डोर को एक्सेस करवाना तो इसके लिए ऊपर जो लॉक वगैरह है वो भी जरूरत पड़ेगी, अगर ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है, अंदर से आप स्विच वगैरह यूज करना चाहते हो तो स्विचेस वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो उसमें कौन कौन सी एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल है उसकी अगर बात करें तो हमारे पास EM लॉक अवेलेबल है, जो 600 LBS और 1200 LBS दो वेरियंट में अवेलेबल है। 600 LBS में अगर आपको डबल लिप, अगर मान लो कि डबल डोर है तो डबल लिप वाला EM लॉक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ड्रॉपबॉल लॉक की बात करें तो ड्रॉपबॉल लॉक में भी हमारे पास दो अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें एक है NO टाइप और दूसरा बोलते हैं उसको NC टाइप। NO टाइप मतलब नॉर्मली ओपन टाइप। इस केस में अगर नॉर्मली ओपन वाला आप यूज करते हो तो वो उस केस में ये कैसे काम करेगा कि जब भी पावर कट हो जाएगा तब ये नॉर्मली ओपन वाला है वो डोर ओपन कर देगा, मतलब ये जो लॉक है वो ओपन कंडीशन में आ जाएगा। जब भी पावर कट होगा ये डोर जो है आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन आप अगर NC टाइप यूज कर रहे हो, नॉर्मली क्लोज वाला यूज कर रहे हो, तो जब भी पावर कट होगा NC टाइप वाला अगर आपने यूज किया है तो आपका जो डोर है वो क्लोज कंडीशन में आ जाएगा, मतलब बंद का बंद रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास स्ट्राइक लॉक अवेलेबल है। उसके नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास ड्रॉप बॉल लॉक फॉर फुल्ली ग्लास डोर, मतलब कि आपका डोर जो है आपका रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से कि आपका डोर जो है वो भी फुल्ली ग्लास का है और उसकी जो साइड की फ्रेमिंग और वॉल जो जिसको बोलते हैं वो भी टोटली ग्लास की है, तो उसके लिए आप ड्रॉप बॉल लॉक फॉर फुल्ली ग्लास डोर भी आप यूज कर सकते हो। डोर के आजू बाजू में जितनी भी डिस्टेंस वगैरह इसमें गैपिंग वगैरह के हिसाब से हमको एल ब्रेकेट यू ब्रेकेट जेड एल ब्रेकेट भी यूज करना पड़ता है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर एसेसरीज की मैं बात करें तो हमारे पास रिम लॉक भी अवेलेबल। रिम लॉक जो है वो आपको घर के मेन डोर में भी उसको यूज
कर सकते हो, मतलब इसके साथ आपको ऑथेंटिकेशन मेथड तो आपको मिल जाएगी जिस तरह का आप कंट्रोलर इसके साथ यूज करोगे, उसके अलावा आपको मैकेनिकल की भी मिल जाएगी। तो मैकेनिकल की से आप अगर इसको ऑपरेट करना चाहो तो मैकेनिकल की से भी इसको ऑपरेट कर पाओगे। इसको जो है वो वीडीपी के साथ इंटीग्रेट करना चाहो तो वीडीपी के साथ भी इसको, वीडियो डोर फोन जो है वो ज्यादातर यूज होता है अभी घर में, तो उसके साथ इसको अगर इंटीग्रेट आपको करवाना है तो इसको भी आप रिम लॉक को जो है तो घर में लगा के इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। नेक्स्ट अगर स्विच की बात करें तो एज अ स्लेव आपको स्विच यूज करनी है, मतलब मास्टर एक साइड आपने डिवाइस लगा दिया स्टैंडर्ड वन या तो फिर अटेंडेंस विद एक्सेस कंट्रोल वाला, और दूसरी तरफ से आपको रिकॉर्ड वगैरह नहीं चाहिए, या तो फिर दूसरी तरफ आपको कार्ड सिर्फ बटन यूज करना है, मतलब स्विच यूज करनी है कि उसको प्रेस करने से वो डोर ओपन हो जाए, तो वही उस तरह की स्विच भी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें दो तीन टाइप की है, जिसमें पीवीसी में आपको छोटी और बड़ी बिग और स्मॉल मिल जाएगी, एसएस की बात करें तो उसमें भी बिग और स्मॉल आपको मिल जाएगी। एक और स्विच हमारे पास अवेलेबल है जो है नो टच स्विच। नो टच स्विच में क्या होता है कि आपको उसको छूना नहीं रहता है, उसके आगे सिर्फ अपना हाथ दिखाओगे तो भी ये ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्लास डोर ग्लास ब्रेक स्विच है जो आप मल्टीनेशनल मल्टी मॉल में देखते हो, थिएटर वगैरह में देखते हो कि इमरजेंसी के लिए ग्लास ब्रेक लगी हुई बात है, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी कोई भी इसका ग्लास ब्रेक करता है तो अलार्म वगैरह है जो वो ट्रिगर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्मार्ट कार्ड अवेलेबल है। जैसे हमने अभी तक के जितने भी मॉडल्स वगैरह देखे उसमें एक ऑथेंटिकेशन में कार्ड आ रहा था, तो वो जो कार्ड है वो अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसमें भी बहुत सारे आते हैं, प्रॉक्सिमिटी आते हैं, माईफेयर वाले आते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जेड रीडर एज अ स्लेव में आपको कार्ड रीडर यूज करना है तो कार्ड रीडर भी सिर्फ कार्ड रीड करेगा, तो वो भी हमारे पास एज अ स्लेव अगर यूज करना है तो वो भी अवेलेबल है। दूसरी एक चीज एसेसरीज में आती है वो है रिमोट किट। अगर मान लो कि आपने जो डोर जो है वो पूरा का पूरा एक्सेस करवा लिया है, अगर उसको रिमोटली खोलना चाहते हो, मतलब कि आपने स्विच भी लगाया है लेकिन आप बैठे बैठे के उसको ऑपरेट दूर, आपका जो डोर है वो आप जो जहाँ पे बैठे हो आपके ऑफिस में वहां से थोड़ा दूर है, कोई अनऑथोराइज पर्सन बाहर से आता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसकी वजह आप ये रिमोट किट भी यूज कर सकते हो कि बैठे बैठे आप उसको डोर को है जो वो लॉक अनलॉक कर पाओगे। एज वेल एज हमारे पास की फॉब्स भी अवेलेबल है, जो कार्ड जो आते हैं प्रॉक्सिमिटी कार्ड वो एक कीचेन टाइप में आते हैं की फॉब्स की टाइप में, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें थोड़ा हटके तो हमारे पास यूएचएफ रीडर अवेलेबल है। यूएचएफ रीडर का मेन एप्लीकेशन अभी है वो पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे नीचे एप्लीकेशन में बताया हुआ है कि पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल एज स्कूल अटेंडेंस सिस्टम। तो ये किस तरह से काम करता है वो हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। तो पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे काम करता है कि इसमें आपने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह में आपने देखा होगा कि ऑथोराइज जब भी गाड़ी आती है तो वो एक बूम बैरियर लगा होता है, वो अपने आप वो ऊपर हो जाता है। तो वही यही चीज है कि रीडर जो है वो गेट पे लगा होता है, उसके पीछे एक कंट्रोल लगा होता है। अगर ऑथोराइज गाड़ी इसकी रीडिंग रेंज के अंदर आएगी, रीडिंग रेंज इसकी हमारे पास दो वेरियंट्स में अवेलेबल है, एक होता है 6 मीटर दूसरा है 12 मीटर, तो जैसे कोई ऑथोराइज गाड़ी इसकी रीडिंग रेंज के अंदर आती है तो ये तुरंत ही बूम बैरियर को सिग्नल दे देगा और बूम बैरियर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उससे आप जो अनऑथोराइज गाड़ी है उसको अवॉइड करने के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्कूल अटेंडेंस सिस्टम के लिए भी ये चीज अभी यूज हो रही है। वो कैसे यूज करती है वो उसका हम समझने की कोशिश करें तो स्कूल का जो गेट होता है उसके ऊपर ये रीडर जो है वो लग जाता है, उसके पीछे कोई भी कंट्रोलर हम लगा सकते हैं। कंट्रोलर इसमें इस केस में क्या उसके बाद क्या होगा कि जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो गेट के अंदर एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी रीडिंग रेंज के अंदर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो उसके लिए मास अटेंडेंस के लिए हम स्कूल वगैरह में कॉलेज वगैरह में मास अटेंडेंस के लिए भी ये सिस्टम को आप यूज कर सकते हो। इसके अगर कम्युनिकेशन मेथड डेटा पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको वीगन 26 और 34 बिट आपको मिल जाएगा, RS-485 कनेक्शन भी मिल जाएगा, RS-232 कनेक्शन भी मिल जाएगा और TCP/IP लैन पोर्ट जो है वो हमने ऑप्शनल रखा हुआ है, मतलब आपको लैन पोर्ट वाला अगर कम्युनिकेशन मेथड के साथ चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गार्ड टूर मॉनिटरिंग सिस्टम है। बेसिकली ये समझने की कोशिश करें कि गार्ड टूर मॉनिटरिंग सिस्टम आखिर है क्या, तो वो अगर समझने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि जो भी अभी बड़ी बड़ी फ्लैट्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां है या तो फिर बड़े बड़े मॉल वगैरह है, तो वहां पे गार्ड्स रहते हैं। गार्ड जो है रात को जो है वो पेट्रोलिंग प्रॉपर आपने जो उसको रूट दिया है, मतलब उसको जो भी बोला है कि यहाँ से तेरे को यहाँ तक पेट्रोलिंग वगैरह करना है,
तो वो प्रॉपर पेट्रोलिंग करता है या नहीं करता है उसकी, वो जानने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। उसके हम उसको काम कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होगे कि हम यहाँ पे आपको चेक पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये जो चेक पॉइंट्स है वो हमको कहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, जहाँ जहाँ पे उसको पेट्रोलिंग करना है, मतलब कोई प्रीमाइसिस ले रहे तो हर एक कोने में इसको लगा देना है। उसके बाद गार्ड जो है आपने उसके उसके पास कुछ इस तरह का टॉर्च जैसा एक मॉडल होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टॉर्च जैसा एक डिवाइस है, वो लेके उसको क्या करना है कि जहाँ पे चेक पॉइंट हमने लगा हुआ है वहां पे जाके उसको रीडिंग करवाना है। रीडिंग करने के वक्त उसका जो जो टॉर्च है हाथ में जो वो वाइब्रेट होगा एज वेल एज वहाँ पे LED ब्लिंकिंग होगा। तो सभी जगह पे उसने पूरी रात पेट्रोलिंग किया होगा तो दूसरे दिन हम उसके डेटा केबल के थ्रू एक पूरा का पूरा इसका सॉफ्टवेयर आएगा PC के अंदर, हम उसको इंस्टॉल कर देंगे तो वो उसके में उसमें वो डेटा लेके हम प्रॉपर उसका रिपोर्ट देख पाएंगे कि पिछली रात उसने कितना पेट्रोलिंग किया। उसका शेड्यूल भी बना सकते हो कि आपको जो है वो हर एक आधे घंटे में या हर एक घंटे के अंदर पेट्रोलिंग करना है तो उसने कौन सा शेड्यूल वो मिस कर दिया, कौन सा चेक पॉइंट उसने मिस कर दिया कि कहाँ पे वो गया था कहाँ पे नहीं गया था, तो पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। उसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें फ्लैशलाइट भी हमने दिया हुआ है तो एज अ टॉर्च भी वो गार्ड जो है इसको यूज कर पाएगा। उसमें चार मोड्स दिए हुए हैं फ्लैशलाइट के लिए, जिसमें एक पहला ऑप्शन आपको हमने दिया हुआ है हाई फ्लैशलाइट, दूसरा है मीडियम, दूसरा है लो इंटेंसिटी के साथ और चौथा है SOS। SOS मीन्स लोग फ्लिकरिंग लाइट, अगर इन इमरजेंसी अगर गार्ड को किसी और को बुलाने के लिए फ्लिकरिंग लाइट के यूज करना है तो SOS का भी ऑप्शन वहां पे हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर इसके मटेरियल की बात करें तो एल्यूमिनियम एलो का बना हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छी मटेरियल क्वालिटी हमने इसमें यूज की। इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 80,000 पीसीस की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। इम्पैक्ट रेट को रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 32,000 तक इम्पैक्ट रिकॉर्ड मिल जाएगी। इम्पैक्ट रिकॉर्ड मतलब कि ये जो डिवाइस है अगर हाथ में से गिर जाएगा या पर इसे कोई जानबूझ कर इसको गिराएगा तो उसका भी एक लॉग जनरेट हो जाता है कि रात को इतने बजे ये वाले जो गार्ड है उसने ये नीचे गिराया था, उस तरह से एक लॉग भी आपको जनरेट हो जाएगा। वो उसी तरह से उसका आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा तो वो रिकॉर्ड कितना सेव कर पाएगा 32,000 तक। उसके साथ आपको एक मैग्नेटिक USB केबल दिया जाएगा जिसके थ्रू आप ये जो टॉर्च जैसा डिवाइस है उसमें से PC के अंदर आप डेटा ले पाओगे। इसकी बैटरी की बात करें तो 3.7 बिल्ट इन रिचार्जेबल लिथियम बैटरी हमने इसके साथ यूज किए हुए, मतलब आप इसको रिचार्ज भी कर सकोगे। इसकी जैसे मैंने बताया कि जब भी वो पंच करता है तो LED एज वेल एज इसको वाइब्रेशन भी होगा। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये IP66 है और ये वाटर प्रूफ भी है एज वेल एज वो शॉक प्रूफ भी है। इसके नेट वेट की बात करें तो 140 ग्राम का नेट वेट है। आप यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी देख सकते हो, ये स्टेशन टैग बोलते हैं उसको, ये वाले जो स्टेशन टैग है वो हम हर एक जगह पे उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंपनी जो है वो होटल लॉक एज वेल एज विला लॉक के अंदर भी इस काम करती है। जैसे होटल लॉक की बात करें तो होटल लॉक का पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करें तो आप जब भी अभी अच्छी कोई होटल 3-star 5-star होटल में जाते होंगे तो आप वहां पे देखते होंगे कि अभी वो मैनुअल कीज वगैरह नहीं देते, एक कार्ड आपको दे देंगे, वो कार्ड लेके आप वहाँ आपका जो एलोकेट रूम है उसको ओपन कर पाओगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो उसमें आप क्या 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 एक्सेसरीज की जरूरत पड़ेगी, ये जो पूरा का पूरा जो है उसके लिए आपको होटल लॉक लगेगा जो हर एक रूम के अंदर लग जाएगा, उसके लिए होटल कार्ड लगेंगे, होटल कार्ड प्रोग्रामर है और नीचे एक एनर्जी सेविंग स्विच भी दिया हुआ है जो कंपलसरी नहीं है लेकिन आप देख पा रहे हो अभी देखते होंगे कि जब भी आप कोई अच्छी होटल में जाते होंगे तो जो डोर आप ओपन करने के बाद अंदर एक स्विच दिया होगा कुछ इस तरह का एनर्जी सेविंग स्विच, उसमें आप अपना जो की है वो एंटर करोगे तभी वो लाइट्स अंदर की जो लाइट्स पावर है वो चालू होता है। तो इसके साथ आप एनर्जी सेविंग के लिए भी ये स्विच जो है वो लगा सकते हो। इसमें पूरा का पूरा मेथड समझने की बात करें कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई होटल में हमने ये लगा दिया तो अगर कोई बंदा आता है उसको 2 दिन के लिए रूम चाहिए तो जो एक होटल का सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा हमने बनाया हुआ है वो वहां पे रिसेप्शन पे हम इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद अगर कोई आता है, कोई कस्टमर आता है उसको 2 दिन के लिए कोई रूम चाहिए तो वहाँ पे आप रूम भी देख सकते हो कि इतने सारे रूम हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। इसमें से मान लो किसी भी रूम में आपको उसको अलॉट करना है तो वो रूम सिलेक्ट करके आपको उसको वैलिडिटी दे पाओगे और जो एक जो कार्ड है उसको वो प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, मतलब कि आपको फॉर एन एग्जाम्पल 302 देना है, यहाँ पे जो दिख रहा है 302 नंबर का एलोकेट करना है तो 302 पे जाके एक कार्ड जो है वो प्रोग्राम के ऊपर रखना है और उसके बाद उसकी वैलिडिटी दे देनी है कि उसको 2 दिन चलना है या 3 दिन के लिए रुकना है। तो वो जो है वो जो कार्ड आपने वो अभी जो प्रोग्राम किया वो कार्ड 302 नंबर में जितनी वैलिडिटी आपने दी होगी 2 दिन या 3 दिन
उतने दिन वो वहां पे ऑपरेट कर पाएगा, उसके बाद ये वहां पे वो रूम को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर उसको एक्सटेंड करवाना है वहां पे स्टे, तो फिर से रिसेप्शन पे जाके उसको अपनी वैलिडिटी एक्सटेंड करवानी रहती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विला लॉक, तो विला लॉक जो है वो आपके घर के मेन डोर वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अभी अभी की बात करें तो आप जानते होगे कि अभी जो फ्लैट्स के अंदर जो लॉक वगैरह है उसमें क्या होता है कि हर एक के लिए अलग अलग चाबी रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। मान लो कि कोई पूरे घर में पांच या छह या मान लो कि तीन या चार पर्सन रहते हैं, तो हर एक के लिए की रखना पॉसिबल नहीं रहता है। तो उसमें दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर आपकी की कहीं पे खो गई तो उसका मिसयूज होने का भी चांसेस है। इसीलिए हमने ये पूरा का पूरा एक लॉक डिजाइन किया हुआ है जिसमें कोई मैनुअल की तो हम इसके साथ देते हैं, लेकिन वो आपको रेगुलर यूज नहीं करना है। इसको जो है हम आपके जो डोर है उसके ऊपर लगा सकते हो, उसमें आपको अपने खुद के ही फिंगरप्रिंट से उसको ओपन कर पाओगे। जो मतलब कि हर एक जितने भी अंदर आपके वहां पे पर्सन या मेंबर्स है, हर एक की फिंगर इसके अंदर डाल दिए जाए तो उसके बाद वो कभी भी उसको ऑपरेट कर पाएगा। इसमें आपको ऑथेंटिकेशन मेथड में क्या क्या मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट मिलेगा, कार्ड मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा और रिमोट कंट्रोल भी इसके साथ आपको मिल जाएगा। इसमें फिंगरप्रिंट कैपेसिटी काफी ज्यादा दी गई है, 300 फिंगर तक आप इसमें डाल सकते हो। कार्ड कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 300 कार्ड तक डाल सकते हो और रिमोट कैपेसिटी की बात करें तो 10 रिमोट तक आप इसमें डाल सकते हो। उसका मटेरियल की बात करें तो एसएस एंड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय, मतलब कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। इसकी वारंटी टाइम एक साल रहेगी। इसके साथ हम मैनुअल कीज भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज की अगर आप अभी आप देख रहे हो कि जनरली जो फ्लैट्स वगैरह है उसमें आप वीडियो डोर फोन भी लगाते हो कि अनऑथोराइज पर्सन कोई बाहर से बेल बजा रहा है तो कौन है कौन नहीं है वो देखने के लिए अभी हम वीडियो डोर फोन लगाते हैं। तो वो क्या होता है कि स्क्रीन पे आपको वहां पे किसी भी रूम के अंदर दिख जाएगा कि बाहर कौन डोर बेल बजा रहा है। तो इसको अगर आप ये अगर लगाना चाहो और इसको आप वीडीपी के साथ एक्सेस करवाना चाहो तो भी करवा सकते हो। मतलब कि अंदर आपने जब भी अंदर डिस्प्ले में से देख लिया कि कौन आया हुआ है, वीडीपी के अंदर जो डिस्प्ले रहता है उसमें अनलॉक का ऑप्शन भी रहता है, तो अनलॉक का बटन दबाओगे तो ये वाला जो हमने अगर वहां पे लगाया हुआ है तो ये वाला लॉक भी वहां पे खुल जाता है। तो वीडीपी के साथ इसको एक्सेस आप कर पाओगे। नेक्स्ट अगर उससे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी सेम विला लॉक ही है, लेकिन इसमें आपको फिंगरप्रिंट कार्ड पासवर्ड तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ एक्सटर्नली आपको एक ब्लूटूथ ऐप भी मिल जाएगा। मतलब एक एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप मान लो इसके साथ एक गेटवे आपको परचेस करना रहेगा, तो गेटवे जो है तो आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये जो कनेक्शन करने के बाद आपका जो घर का लॉक है वो कहीं से भी मोबाइल से ऑपरेट कर पाओगे। मतलब आप कहीं बाहर गए हो और पीछे कोई आया है और आपने अपने मोबाइल से अगर उसको खोलना चाहते हो तो मोबाइल में आपको वहां पे अनलॉक का ऑप्शन दिया होगा, अनलॉक करोगे तो आपका घर का जो लॉक है वो खुल जाएगा। अगर आप गेटवे नहीं यूज करना चाहते हो और सिंपली उसको ऑपरेट करवाना चाहते हो तो ओटीपी का ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है। अगर आपके घर में वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो आप गेटवे का यूज नहीं कर सकती हो, तो उसके लिए भी हमने एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर चले गए हो और आपके पीछे किसी ने कोई आपके घर पे आया है और आपको कॉल करता है, लेकिन वो ऑथराइज पर्सन है, आपने उसको बोला कि हाँ वो उसको आपको अंदर उसको जाने देना है, तो आप क्या करोगे एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल में जनरेट होगा, वो वन टाइम पासवर्ड आप उसको शेयर कर सकते हो। वो जो वन टाइम पासवर्ड है वो एक ही बार चलेगा, मतलब वो आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो वो एक बार उसका यूज कर लेगा तो उसके बाद वो फिर से वो पासवर्ड का यूज नहीं कर पाएगा। अगर वो आपने शेयर कर दिया उसके 6 घंटे या 8 घंटे तक उसने ये वो पासवर्ड यूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो डिसमिस हो जाएगा। दूसरी की इसके अंदर फैसिलिटीज की बात करें तो ये जो है वो चार सेल जो आते हैं उसके ऊपर काम करता है, जो नॉर्मल डबल एज वाले सेल आते हैं उसके ऊपर ये पूरा का पूरा काम करता है। इनकेस आपके जो वो सेल है वो डाउन हो गए या तो फिर डिस्चार्ज हो गए तो इमरजेंसी के लिए हमने अभी जो माइक्रो एंड्रॉइड मोबाइल में जो यूज होता है माइक्रो यूएसबी वाला, उसी तरह का नीचे एक स्लॉट दिया हुआ है, तो मोबाइल चार्जर से आप अपने पावर बैंक से इसको ऑपरेट कर पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्लास डोर लॉक, तो ग्लास डोर लॉक बेसिकली क्या है कि अभी आप देखते होंगे कि हर एक जगह पे अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं उसके अंदर जो डायरेक्टर केबिन्स वगैरह होते हैं, इंटरनल ऑफिस जो भी होती है अंदर,
वो पूरी की पूरी ग्लास की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट रहती है, पूरी की पूरी ग्लास की बनी होती है। वहां पे अगर हम कुछ उसको डोर एक्सेस करवाना हो और हम वहां पे नॉर्मल वाला सॉल्यूशन अगर देने जाए, तो वहां पे क्या होता है कि हमको पूरा का पूरा वायरिंग करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम Z8 का ऑप्शन देते हैं या तो फिर Z9 का ऑप्शन देते हैं, Z101 का ऑप्शन देते हैं, लेकिन उस चीज में क्या होगा, ऊपर हमको एक लॉक भी लगाना रहेगा और उसके साथ वायरिंग वगैरह भी करके कंट्रोलर भी एक लगाना रहता है। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें जो पूरा का पूरा अपना ऑफिस जो भी डिजाइन किया था उसकी जो अट्रैक्शन था वो डाउन हो जाता है, मतलब वो गंदा दिखने लगता है कि कोई ऊपर ये वायरिंग वगैरह अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए हमने पूरा एक सॉल्यूशन डिजाइन किया हुआ है, वो है ग्लास डोर लॉक का। तो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कि एक जो ग्लास है उसमें फ्रेमिंग भी ग्लास की है, वो डोर जो है वो भी पूरा का पूरा ग्लास का है। तो इस तरह से अगर कोई आपको डोर है, पूरा का पूरी आपकी ऑफिस है, उसको एक्सेस करवाना चाहते हो, तो ये वाला लॉक आप यूज कर सकते हो। इसमें अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, कार्ड मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। रिमोट कंट्रोल जो वो हम ऑप्शनल देते हैं। यूजर कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 300 फिंगर तक अवेलेबल है। अदर फैसिलिटीज की इसके अंदर बात करें तो वॉइस इंडिकेशन भी ये देता है कि डोर जो है वो ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, उस तरह से। डोर बेल का भी ऑप्शन इसके अंदर हमने दिया हुआ है और छोटा सा डिस्प्ले भी हमने वहाँ पे दिया हुआ है। इसकी बैटरी बैकअप, बैटरी की बात करें तो इसके आप इसमें आपको और डबल ए वाले 4 सेल लग जाएंगे। इसमें भी इमरजेंसी पावर के लिए हमने माइक्रो USB का ऑप्शन दिया हुआ है। रिमोट कंट्रोल कब काम आता है कि मान लो कि पूरा का पूरा जो लॉक है हमने वो अंदर लगा दिया, किसी डायरेक्टर के केबिन के अंदर लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, कोई विजिटर वगैरह वहां पे आएगा तो उसके उसका तो ऑथेंटिकेशन बाहर होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी फिंगर वगैरह हमने उसमें ऐड नहीं की होगी, क्योंकि वो विजिटर है। तो उसकी इसमें क्या होगा, दो ही केस से वो ओपन कर सकता है, या तो फिर वो डायरेक्टर जो खड़ा हो के अंदर मैनुअल ओपन करने का ऑप्शन दिया जाता है, वो मैनुअली ओपन कर सकते हैं। अगर उसको खड़ा नहीं होना है तो हम रिमोट कंट्रोल का भी ऑप्शन देते हैं, तो वो वहां पे बैठे बैठे ही जो डोर जो है उसको अनलॉक कर पाए। नेक्स्ट, अगर इसकी इसमें रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें ग्लास डोर का थिकनेस जो है वो 10 से 15 mm होना चाहिए। ये मार्केट में हमने फीडबैक लिया है कि नॉर्मली इतना ही सभी ग्लास डोर का थिकनेस रहता है। अगर जो फ्रेमिंग है, जो वॉल है पूरा का पूरा ग्लास और डोर के बीच में गैप की बात करें तो वो 0.8 से 1 सेंटीमीटर तक का रहना चाहिए। तो वो भी इतना अगर रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल हो जाता है तो ये लॉक जो है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो मल्टी डोर कंट्रोलर है। मल्टी डोर कंट्रोल बेसिकली क्या है कि कभी कभार ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है, मोस्ट ऑफ वे ये जो रिक्वायरमेंट है वो फार्मास्यूटिकल लैब्स वगैरह में आती है कि एक दरवाजा जब तक बंद ना हो। ये बेसिकली चीज क्या है कि आपको 4 डोर कंट्रोलर है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 4 डोर जो है वो एक ही कंट्रोलर के कंट्रोलर से उसको हम मैनेज करेंगे कि कंट्रोल एक ही लगेगा, लेकिन वो एक कंट्रोलर जो वो पूरे के पूरे 4 डोर को मैनेज करेगा। तो उस केस में अगर रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से आती है कि जब तक एक नंबर का गेट बंद ना हो तब तक दूसरे नंबर का गेट नहीं ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज की एंटी पासबैक वाला हमने बात की थी, जैसे 300 AC में दिया हुआ है तो उस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट हो, या तो फिर एडिशनली भी इसमें इसका पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर आता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें एडिशनली फीचर आपको क्या क्या मिलते हैं वो भी आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेन करूंगा। कि इसमें आपको मान लो कि कोई रूम रूम वगैरह या तो फिर कोई बड़ा हॉल वगैरह है उसके अंदर आपको लिमिट डालनी है कि 50 एम्प्लॉय तक ही जाने चाहिए, उसके बाद वो नहीं जाना चाहिए, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए, उस तरह का कुछ आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। दूसरा कि टाइम जोन सेट करना है कि सर्टेन टाइम के अंदर ही ये डोर जो है वो ओपन होना चाहिए, उसके बाद कोई भी इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो उस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ पे आप मल्टी डोर कंट्रोलर सजेस्ट कर पाओगे, जिसमें हमारे पास 3 वेरियंट में अवेलेबल है। 1 डोर कंट्रोलर भी है, 2 डोर कंट्रोलर है और 4 डोर कंट्रोलर है। यूजर कैपेसिटी की बात करें तो तीनों में सेम 26,000 तक के आपको यूजर कैपेसिटी मिल जाएगी। इवेंट स्टोरेज की बात करें तो सबके अंदर 1 लाख डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी है। नंबर ऑफ रीडर्स जो है वो हर एक मॉडल्स के साथ वेरिएंट हो गए, जैसे 1 डोर में 2 रीडर्स लग जाएंगे, 2 डोर में 4 रीडर, 2 डोर कंट्रोलर में 4 रीडर लगेंगे और 4 डोर कंट्रोलर में 8 रीडर ट्रक लग जाएंगे। एंटी पासबैक भी इसमें सब में मिल जाएगा, इंटरलॉकिंग सब में मिल जाएगा, स्विच एग्जिस्ट स्विच लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। इसमें ऑप्शनल हमने ये भी दिया होगा कि आप आगे आप किसी फायर अलार्म वगैरह भी इसके साथ ट्रिगर करवाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा कि इस चीज को हम पूरा का पूरा मेटल बॉक्स के अंदर दे दे पावर सप्लाई के साथ, ये पूरा का पूरा पाउडर कोटेड मेटल बॉक्स के अंदर जैसे आपको इमेज में दिख रहा है उसी तरह से तैयार करके हम देंगे। पावर सप्लाई की बात करें जिसको आपको
12 वोल्ट 5 एम्पियर सप्लाई करना रहेगा, फोर डोर के लिए आपको 12 वोल्ट 10 एम्पियर सप्लाई करना रहेगा। नेक्स्ट, अगर अभी अभी जो हमने देखा पूरा का पूरा प्रोडक्ट देखा, जितने भी सारे अलग अलग प्रोडक्ट देखे, उसमें अगर किसी को क्वेश्चन हो तो अपना रेज हैंड करके ऑप्शन है वो करता है तो उसका क्वेश्चन हम ले सकते हैं। इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो जी सर, अभी हमारे जितने भी विला लॉक्स है और ग्लास डोर लॉक है उसका बैटरी कितने टाइम चलता है? हमारी आरएनडी के हिसाब से अगर ड्यूरासेल का हमने यूज करके देखा हुआ है, जो भी आरएनडी की हमने ड्यूरासेल का एक सेल आता है डबल ए का, वो हमने टेस्ट करके देखा तो वो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने तक चल जाता है। ओके, दूसरा ये जो तीनों लॉक्स है उसमें कितने सेल लगते हैं? तीनों के तीनों में 4 सेल लगते हैं। ओके, 4 सेल्स लगेगा। हाँ, दूसरा 511 और 611, 4 सेल लगेंगे। ओके, दूसरा Z611 जो लॉक है उसपे आपने बोला कि बाहर से भी आप डोर ओपन कर सकते हैं, राइट? बराबर है, तो उसपे क्या वाईफाई थ्रू कनेक्ट होगा वो? बाहर से आपको उसको ओपन और क्लोज करना है तो उसका एक गेटवे आता है जिसको आप अपने वाईफाई से का साथ कनेक्टेड करना कनेक्ट रखना पड़ेगा। अगर आपको बाहर से ओपन क्लोज करना है तो गेटवे परचेस करना पड़ेगा, एज वेल एज आपके घर के अंदर वाईफाई भी होना चाहिए तभी वो ऑपरेट हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल नहीं है और आप गेटवे परचेज नहीं करना चाहते और किसी को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो अगर आप बाहर हो तब भी, तो वन टाइम पासवर्ड का भी ऑप्शन हमने रखा हुआ है जिसमें आपको गेटवे की भी जरूरत नहीं रहेगी और घर के अंदर वाईफाई भी की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक ओटीपी जनरेट करके उसके साथ शेयर कर सकते हो। ओटीपी जनरेट के मींस वो पासवर्ड जैसा ही हो गया? हाँ, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी जैसे बोलते हैं कि वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा जो एक ही बार वो एक्सेस कर पाएगा, वो लॉक पे जाके वो गेस जो होगा वो लॉक पे वो पासवर्ड जनरेट करके ओपन कर सकते साथ शेयर करोगे तो वो पासवर्ड डाल के एक ही बार अंदर जा पाएगा। जैसे वो वापस बाहर आ गया लॉक हो गया तो वो पासवर्ड दूसरी बार नहीं चलेगा। दूसरा, ये लॉक्स में डिजिटल लॉक्स में बैटरी जो है वो लो बैटरी वार्निंग कुछ आता है? हाँ, लो बैटरी वार्निंग अंदर आपको मिल जाएगा हर एक के अंदर, लेकिन अगर लो बैटरी है और आपने चेंज नहीं किया तो भी सभी के अंदर हमने इमरजेंसी पावर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इमरजेंसी आपको बाहर से पावर देके उसको एक बार ऑपरेट करके खोल के अंदर से सेल चेंज कर सकते हो। ओके, जब भी बैटरी मींस पूरा बैटरी ड्रेन हो गया है तो कैसे उसको एक बार हम उसको ऑन कर पाएंगे? पावर का ऑप्शन दिया हुआ, जैसे एक 611 में हमने माइक्रो यूएसबी एक नीचे स्लॉट दिया हुआ है तो उसमें आप पावर बैंक का जो हमारा रेगुलर एंड्रॉइड फोन का चार्जर आता है उसी तरह का स्लॉट दिया हुआ है। पावर बैंक से आप उसको जो हमारा मोबाइल का पावर बैंक आता है उसी से आप उसको वहां पे पावर देते हो तो वो ऑपरेट हो जाएगा। उसको आप खोलने के बाद अंदर से चेंज कर पाओगे बैटरी को। ओके, और दूसरा जो 511 है और 611 है ये दोनों डिजिटल लॉक्स में डोर का थिकनेस क्या होना चाहिए? 40 mm मिनिमम चाहिए, 40 mm विड्थ थिकनेस मिनिमम डोर की चाहिए। ओके, क्योंकि उसमें जो पूरा लेच है वो अच्छी क्वालिटी का आता है, मतलब कि उसका विड्थ जो है लेच का विड्थ भी बहुत बड़ा अच्छी तरह से हमने मेंटेन किया हो, क्योंकि ये जो है वो घर के मेन डोर के लिए यूज होना है, मतलब कि इसकी सिक्योरिटी भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और दूसरा, ये तीनों लॉक है उसमें ऑटो लॉकिंग फैसिलिटी है? हाँ, ऑटो लॉक सबके सब ऑटो लॉक हो जाएगी, वापिस दरवाजे से बंद हो जाए उसमें वो ऑटोमेटिकली वापिस लॉक हो जाएंगे। इसके अंदर डेडलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अंदर से आप डेडलॉक कर दोगे तो बाहर से भी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसको खोल नहीं पाएगा। ओके ओके, दूसरा ये मल्टी डोर कंट्रोलर जो आपने बताया उसका थोड़ा ब्रीफ कीजिए ना ज्यादा, उसका एडवांटेजेस क्या है? जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से आपके पास आती है कि कंट्रोल डोर जो है वो 4 कंट्रोलर या 2 डोर है वो एक ही कंट्रोलर से आपको कंट्रोल करवाने हैं, और उसमें भी आपको कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट मिले कि एक डोर जब बंद हो तभी दूसरा डोर ओपन होना चाहिए, या तो फिर आपके उसके अंदर लिमिट सेट करना चाहते हो कि 50 यूजर तक ही अंदर जा सके, उसके बाद नहीं जा कोई भी नहीं जाना चाहिए, या तो फिर उसमें टाइम जोन आप सेट करना चाहते हो कि सर्टेन टाइम के अंदर, मान लो कि सुबह 8 से 10 हमने सेट कर दिया तो उसी के बीच आपने अलाउ किया है, जितने एम्प्लॉय को अलाउ किया गया वही एम्प्लॉय उस टाइम जोन में वो अंदर जा पाएंगे, बाकी किसी को ऑथोराइज नहीं कर पाओगे आप उस तरह। नहीं, मैंने जैसे एग्जांपल एक जगह मैंने 8 से 9 का टाइम रखा है कि उसी में एम्प्लॉयज जा पाएंगे, 9 बजे के बाद कोई नहीं जा पाएगा। हाँ, तो उस तरह से आप सेट कर पाओगे अंदर, पूरा का पूरा इसका मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है डोर एक्सेस का, उसमें आप वो दे पाओगे, उसमें बायफरगेट भी कर पाओगे कि 8 से 9 में है वो कुछ एम्प्लॉय, 1 से 50 एम्प्लॉय है वही जाने चाहिए, 50 से 100 एम्प्लॉय वाले जो है वो 8 से 9 में नहीं जाने चाहिए,
वो 11 से 12 के अंदर वो उसका एक्सेस देना है हमको, तो उस तरह से हम बाइफर्गेट भी कर सकते हैं। ओके 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 थैंक यू थैंक यू। जी हिरेन सर। हेलो। हाँ हिरेन सर। हाँ वो अबे पूछवान हुई है तू के Z500 V2 ने V2U बने में सो डिफरेंस तो Z500 V2 जे छे इन अंदर आप उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट कार्ड पासवर्ड और तीनों की तीनों चीजें मिल जाएंगी, फेस फिंगर कार्ड पासवर्ड चारों की चारों चीजें मिल जाएंगी। जबकि 500 V2U है उसमें आपको फेस एंड पासवर्ड दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात कि इस 500 V2 जो है उसमें आपको कम्युनिकेशन मेथड में आपको लैन पोर्ट भी मिल जाएगा, USB पेन ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा, उसमें वाईफाई वाला भी मॉडल अवेलेबल है। लेकिन 500 V2U जो है उसमें आप पेन ड्राइव से ही डेटा ले पाओगे, मतलब इसको आपको क्लाउड बेस के साथ यूज करना है तो यूज नहीं कर पाओगे। ये हर्ष, ये ड्रॉप बॉल लॉक जो है वो ग्लास डोर में ही ज्यादातर यूज होते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, अगर डबल साइड स्विंग है तो आप वुडन डोर में भी इसको यूज कर सकते हो। ईएम लॉक में क्या होगा कि अगर आप ईएम लॉक यूज करोगे तो वो डोर जो है वो एक ही साइड ओपन क्लोज होगा, ठीक है। अगर आपको दोनों साइड स्विंग चालू रखना है, मतलब अंदर भी खुलना चाहिए बाहर भी खुलना चाहिए, तो उस केस में आप ड्रॉप बॉल लॉक भी लगा सकते हो। नहीं नहीं, एक ही साइड ओपन होगा मींस एक डोर ओपन होगा, एक डोर स्टॉपर से बंद रहेगा और एक डोर ओपन होगा, ऐसा बता? वो उस डबल डोर की बात नहीं कर रहा हूँ, डोर एक ही है लेकिन। ओके समझ गया। कई बार क्या होता है कि डोर जो है वो अंदर की साइड से खुल गए, अंदर आप पुश करोगे तो भी खुलेगा, बाहर पुल करोगे तो भी खुलेगा, बराबर। ईएम लॉक ने वो कंडीशन आप नहीं करो सेट कर पाओगे क्योंकि एक साइड तो आपका ईएम लॉक लग जाएगा, तो वो जो उस कंडीशन में आप एक ही साइड उसको ओपन क्लोज कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ड्रॉप बॉल लॉक लगाना चाहते हो, जो आपका डोर है वो डबल साइड स्विंग चालू रखना चाहते हो, तो उसके इसमें आप ड्रॉप बॉल लॉक यूज कर सकते हो। ओके 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 थैंक यू। हेलो। हाँ अर्निक सर। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि Z500 V2 में आपने वहां पे लिखा था 1000 यूजर्स और 5000 फिंगरप्रिंट, राइट? तो 5000 फिंगरप्रिंट बोलते तो हर एक यूजर का 5 फिंगरप्रिंट है कि इट्स अ सेपरेट 5000 फिंगरप्रिंट? अगर आप फॉर एन एग्जांपल आप मान लो कि हर एक एम्प्लॉय का 5-5 फिंगर लेते हो, जैसे एम्प्लॉय एक का आपने 5 फिंगर लिया, पांचों एक का आपने रखी, 4 बैकअप में रखी, टोटल एक ही एम्प्लॉय की आपने 5 की, टोटल इसकी कैपेसिटी 5000 एम्प्लॉयज की है। अगर हर एक एम्प्लॉय का आप 5-5 फिंगर डालते हो तो आप टोटल यूजर 1000 यूजर भी कर पाओगे। अच्छा आप 1000 यूजर, पर अभी समझो कि हर एक यूजर का मैंने एक ही फिंगरप्रिंट लिया है, तो आप 5000 यूजर तक जा पाओगे। तो मैं तो एडिशनली 4000 यूजर्स को ओनली फिंगरप्रिंट पे रजिस्टर कर पाऊंगा? हाँ कर पाओगे ना, कोई इश्यू नहीं है। ओके तो अगर समझो कि मैं 1000 फेसेस के साथ हर एक को एक एक फिंगरप्रिंट देता हूँ तो मेरे पास 4000 फिंगरप्रिंट स्पेयर रह गए, तो मैं पैरेलल में दूसरे यूजर्स को ओनली फिंगरप्रिंट लेके रजिस्टर? नहीं नहीं नहीं, 1000 यूजर्स मतलब कि आपको जब भी आप एनरोलमेंट करते होंगे, आपने देखा होगा एनरोलमेंट करते हो तब आपको उसके बाद ऑप्शन मिलता है कि आपको उसका क्या ऑथेंटिकेशन मेथड, फिंगरप्रिंट लेना है, फेस करना है, फिंगरप्रिंट करना है, पासवर्ड यूज करना है, मतलब टोटल तो 1000 ही हो गए, इसमें 1000 तक फेस आएंगे, मतलब फेस के बैकअप में इफेक्ट नहीं ले सकते। दूसरी चीज की फिंगरप्रिंट में आप 10 फिंगरप्रिंट तक बैकअप में रख सकते हो, ठीक है, एक एम्प्लॉय की। तो वहां पे आप फॉर एन एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय की फेस, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि फेस तो आप यूज करते ही नहीं हो, हमेशा माने कि किसी का हम फेस नहीं ले रहे, सिर्फ फिंगरप्रिंट यूज कर रहे, तो हर एक एम्प्लॉय की मान लो कि आप 5 फिंगर ले रहे हो, तो उस केस में आप 1000 यूजर तक जा पाओगे। ओके 5000 फिंगरप्रिंट हो गई क्योंकि एक की आपने 5 ली हुई है, 5 ली। हाँ तो उस हिसाब से आप ये पूरा कैलकुलेशन रहता है। तो इन टोटलिटी हर एक यूजर का 5, अभी किसी का मैंने एक लेता हूँ तो मैंने वो जो 4 एडिशनल कैपेसिटी थी वो मैंने खुद का वेस्ट कर लिया बस, और मींस वो मैं उसको और कहीं पे रीयूज नहीं कर पाऊंगा। नहीं मतलब आप समझ नहीं रहे हो, टोटल इसकी फिंगरप्रिंट स्टोर टोटल फिंगरप्रिंट स्टोर करने की कैपेसिटी की कितनी है? 5000। अगर मान लो कि हर एक एम्प्लॉय के आप एक ही की फिंगर लेते हो, ठीक है, बैकअप में कोई भी फिंगर नहीं रखते हो, तो 5000 यूजर्स तक आप इसमें एनरोल कर पाओगे। ओके ओके
ठीक है ठीक है ओके। जी हिरेन सर हेलो। हाँ सर एक वो पूछना था कि वो जो यूएफओ है बूम बैरियर वाला उसमें हमारे मेरे कस्टमर है उसको स्लाइडिंग डोर वाला चाहिए। स्लाइडिंग डोर उसका लगा हुआ है मोटराइज्ड है ओके। तो उसमें ये चलेगा कि नहीं? हाँ उसमें आपको पहले तो ये देखना होगा कि उसमें इनपुट्स क्या है। फॉरेन 99% केस में तो हो ही जाएगा क्योंकि जो पूरा सिस्टम है उसमें एक रीडर लगेगा अपने यूएसबी रीडर देगा। उसके साथ ही एक कंट्रोल लगेगा जो आपका जो स्लाइडिंग डोर है उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर में से उसको आगे सिग्नल मिलेगा कि इसको ओपन करना है या नहीं करना है। तो हो जाएगा ना उसको? हाँ हो जाएगा। दूसरा और हमारे जितने भी लैन बेस्ड मॉडल है जिसमें लैन पोर्ट दिया है वो सभी क्लाउड बेस्ड है? हाँ लैन पोर्ट जितने भी अवेलेबल है वो सब क्लाउड बेस्ड में अवेलेबल है। अभी आप देखने जाओ तो एक Z100N करके जो मॉडल था पहले हमने देखा स्टार्टिंग में जिसमें आपको सिर्फ यूएसबी मिल रहा था, और दूसरा हमने देखा Z500V2U जिसमें भी आपको सिर्फ ही सिर्फ पेन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता। वो दो मॉडल ही अभी क्लाउड पे अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे के सारे मॉडल क्लाउड पे आप अनेबल्ड है। ओके थैंक यू। और किसी को इसमें डाउट्स या कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट्स या कुछ सजेशंस वगैरह हो तो भी आप दे सकते हो। अपना रेज हैंड करके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें रेज हैंड पे क्लिक करोगे तो मैं आपको क्वेश्चन यहां से ले पाऊंगा। कोई अदर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो जैसे गार्ड टूर हमने देखा उसके रिगार्डिंग भी कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। अब तक के जितने प्रोडक्ट देखे उसमें कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जी मुस्तफा सर। हेलो, ये अपने पास होटल सॉल्यूशन के लिए लॉक है। हाँ वो केस के अंदर अगर हमें प्रॉक्सिमिटी कार्ड देते हैं अपने कस्टमर्स को तो वो प्रॉक्सिमिटी कार्ड को हर बार राइट करना पड़ता है उसके ऊपर? उसमें प्रॉक्सिमिटी कार्ड यूज नहीं होता है, उसका कार्ड अलग से आता है, रिराइटेबल कार्ड आता है। उसमें क्या होगा तो वो जो कार्ड है वो रिराइट कर पाओगे आप। मान लो कि किसी एक बंदे कोई कस्टमर आया उसको आपने दे दिया वो दो दिन यहाँ पे रुका रिटर्न में वो जब भी चेकआउट करता है तो वो कार्ड आप उसके साथ उसके वापस लेके दूसरे को भी वो कार्ड एलोकेट कर सकते हो। ओके तो वो रीराइट करने का डिवाइस वगैरह सब मिलता है ना? हाँ जैसे मैंने बताया मैं आपको ऐसा है तो फिर से भी एक बार दिखा देता हूँ कि जो पूरा का पूरा वो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको लगेगी। हाँ जरा एक बार दिखा दीजिए। हाँ मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक तो होटल लॉक होगा जो आपके हर एक होटल के रूम के लगे आगे लगेगा। होटल कार्ड वगैरह यहाँ पे होटल कार्ड प्रोग्रामर दिया हुआ है वो आपको एक ही परचेस करना है जो रिसेप्शन पे रहेगा जो आपका सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल किया होगा वो पीसी के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। यस तो इसमें इसके ऊपर रख के आप जो कार्ड है उसको राइट कर सकते हो। ओके परफेक्टली फाइन। और इसका सॉफ्टवेयर भी अपने आपका है साथ में? हाँ ये मैंने दिखा है ना एक डैशबोर्ड का आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा हुआ है हमने कि कुछ इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसमें आप अपने फ्लोर वाइज आपको जो अपने रूम से वो यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे किए हुए आपको दिख रहे होंगे 101 है 301 है 302 है 303 है इसका स्टेटस भी आप मेंटेन कर पाओगे। हेलो। हाँ जी सर। अच्छा ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है ना? हाँ ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है। होटल के साथ जो एप्लीकेशन आती है वो डेस्कटॉप बेस्ड है।
ओके तो ये क्लाउड में तो नहीं होगी ना? नहीं, क्लाउड पे ही अवेलेबल नहीं है, डेस्कटॉप बेस ही, वहाँ पे जो रिसेसमेंट पे जो भी पीसी होगा कंप्यूटर होगा उसी में ये रहेगा। ओके जी दिव्य सर। हेलो हर्ष भाई। हाँ सर, શું કહું છું, આપણે તમે કીધું કે એન્ટ્રન્સી જે આવે છે ડ્રોપ બોલ્ડ લોકમાં, તો એમાં આપણે એવો ફીચર છે કે જેમાં બંને આપણે યુઝ કરી શકીએ એનો અને બંને, મતલબ એક ની એક એક હી મોડેલ કે અંદર દો ચીઝે આપકો કોમનલી નહીં મિલેગી, અગર આપ એનસી લેના ચાહો તો એનસી વાલા અલગ હૈ, એનો વાલા લેના ચાહો તો એનો વાલા અલગ હૈ। ओके और कंडीशन रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि जब भी पावर कट हो तब जो आपका जो डोर है वो ओपन हो जाना चाहिए, तो उस केस में आप एनओ वाला यूज कर सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है, बेसिकली ये सर्वर रूम जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उसमें ये रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है एनसी टाइप का, कि जब भी कोई पावर कट होता है तो वो जो सर्वर रूम है वो पूरा का पूरा लॉक हो जाना चाहिए, तो वहां पे आप एनसी टाइप यूज कर सकते हैं। और दूसरा मेरा ये था कि किसी किसी में अपने स्पेसिफिकेशन में ये लिखा हुआ रहता है कि बेसिक एक्सेस कंट्रोल ये सपोर्ट करता है, और किसी किसी में फुल लिखा रहता है या सिर्फ एक्सेस कंट्रोल। जी सर, ये क्या सर बेसिक एक्सेस कंट्रोल? बेसिक एक्सेस कंट्रोल में क्या हुआ है कि बेसिक एक्सेस कंट्रोल में आप स्लेव वगैरह नहीं यूज कर सकते, जैसे हमने बात की थी कि एक ही अंदर एनरोल करो दूसरा एज अ स्लेव यूज करना चाहो तो बेसिक एक्सेस कंट्रोल में आप यूज नहीं कर सकते। बेसिक एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो एक ही मॉडल के आपने अंदर देखा होगा Z500V2 करके जो मॉडल है उसमें बेसिक एक्सेस कंट्रोल दिया हुआ है, तो दोनों साइड से अगर आप फिंगर या आप फेस वाला यूज करना चाहते हो तो दोनों साइड आपको सेम मशीन लगाना पड़ेगा Z500V2। ओके और दूसरी चीज की जो उसमें उसके साथ जो लॉक लगेगा ऊपर EM लॉक या ड्रॉप बोल्ड लॉक कुछ भी, तो वो आपको टाइमर वाला यूज करना पड़ेगा। मशीन के अंदर से कुछ टाइमर हम सेट नहीं कर सकते कि इतनी देर तक ये ऊपर होना चाहिए, समझ रहे? तो उस केस में अगर 500V2 आप यूज कर रहे हो तो लॉक जो है वो आपको टाइमर वाला यूज करना पड़ेगा। बाकी जो अलग अदर थे जो प्रोफेशनल एक्सेस कंट्रोल थे उसमें क्या होता है कि मशीन के साइड से ही कंट्रोल के साइड से ही पावर यहाँ से हम दे सकते, टाइम डिले दे सकते हैं कि 5-6 सेकंड तक खुला रहना चाहिए एक पंच होने के बाद, या तो फिर 10 सेकंड तक ये खुला होना चाहिए, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, तो फिर मतलब अपने को जो 600 LVS with feedback वाला जो लॉक आता है EMLock, वो अपने को यूज करना पड़ेगा क्या? 600 LVS with टाइमर चाहिए, फीडबैक वाला अलग आता है, टाइमर वाला अलग आता है, फीडबैक वाला 600 LVS with टाइमर भी आता है। ओके, पर अपने को रिपोर्ट्स तो मिलेगा ना इससे? हाँ, रिपोर्ट तो मिलेगा, रिपोर्ट में कोई इश्यू नहीं, रिपोर्ट तो मिलेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो जी सर। अच्छा, एक क्वेश्चन था, अपना सारे जितने भी मशीन से सारे पुश नोटिफिकेशन आपका पुश टेक्नोलॉजी वाले हैं ना? जी सर, क्लाउड बेस्ड जितने भी है वो सारे के सारे पुश टेक्नोलॉजी वाले, जो P2P वाले हैं, यानी P2P वाले नहीं, P2P चीज डेटा टेक्नोलॉजी अलग है। अच्छा ओके। पुश डेटा टेक्नोलॉजी क्या होता है कि मान लो कि आप क्लाउड बेस यूज कर रहे हो किसी मशीन के साथ, क्लाउड बेस अनेबल्ड है, उस केस में क्या होगा, जब भी आपका इंटरनेट डाउन है मतलब कि वो सर्वर से डिसकनेक्टेड है, ऑनलाइन वो अवेलेबल नहीं है, तब उस केस में क्या होगा कि आपका जो भी पंचीस होगा वो मशीन के अंदर तो सेव होगा ही होगा। जब भी इसको इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर मिल जाता है, ये जो डिवाइस है वो प्रॉपरली अपने आपका जो लॉगिन है उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है, तो जब भी जितने भी डेटा जब वो डिसकनेक्टेड था तब वो डेटा ऑटोमेटिकली आपका क्लाउड पे वो डाल देगा, उसको डेटा पुश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन P2P क्या है कि P2P में आप एक डिवाइस में से एनरोलमेंट लेके दूसरे P2P डिवाइस में ट्रांसफर कर सकोगे यूजिंग आपका जो पोर्टल है उसके थ्रू। ओके, तो तभी जस्ट क्योंकि काफी टाइम कैसा होता है कि कोई कोई कंपनीज के पास ऑलरेडी अपना HRMS रहता ही है XYZ कंपनी का, तो उस केस में अपने को क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनका पैरेलल में खुद का HRMS है, राइट? तो उस केस में मैं कोई भी एक स्टैंडर्ड डेटा पुश टेक्नोलॉजी वाला मशीन ले लूं और उसके अंदर एक सर्वर IP डाल दो जहाँ पे सारे locations का डेटा एक ही जगह पे जाएगा, बराबर ना? तो वैसा पॉसिबल है उसके लिए? हाँ, पॉसिबल है। हम उसके डेटा पुश टेक्नोलॉजी वाला ही मशीन लेना होगा। डेटा पुश टेक्नोलॉजी सब में अवेलेबल है, जो क्लाउड बेस्ड अनेबल्ड मशीन है उसमें सब डेटा पुश टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जिसकी बात करें तो हम उस केस में अगर उसको खुद का सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना है या तो फिर उसका खुद का सर्वर वगैरह यूज करना है तो उसको SQL में हम पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे पुश करवा देंगे।
राइट एग्जैक्टली मैं वही रिक्वायरमेंट होती है कि एसक्यूएल या ओरेकल में डेटा दे देना होता है फिर वहां एसक्यूएल एसक्यूएल में हो जाता है एमएस एसक्यूएल में हम डेटा दे देते हैं उसको उसके बाद वो जो भी जिस तरह के उसको डेटा का यूज करना चाहे वो कर सकता है। हाँ यानी रॉ डेटा जो भी होता है रॉ डेटा आएगा रॉ डेटा में क्या मिल जाएगा एम्प्लॉय का कोड मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा पंच का टाइम मिल जाएगा पंच की डेट मिल जाएगी। रॉ डेटा में इतनी चीज आपको चाहिए होती है उसके बाद वो डेटा का जिस तरह से वो यूज करना चाहे कर सकता है। राइट तो उसके लिए कोई भी डेटा पुश वाला जो भी इनफैक्ट कोई भी टीसीपी आईपी वाला मशीन हाँ, कोई भी टीसीपी आईपी वाला मशीन आप यूज वाला मशीन चल जाएगा राइट ठीक है ओके या थैंक यू जी सर। हेलो हाँ यूएचएफ जो रीडर है जी उसकी मतलब रीडिंग की कैपेसिटी कितनी रहती है कैपेसिटी मतलब उसकी रीडिंग रेंज बोल रहे हो सर आप नहीं रेंज नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने कार्ड हम वहाँ पे करवा सकते हैं एक ही साथ कितने कार्ड करवा सकते हैं। हाँ इसमें क्या ऐसी कुछ लिमिट नहीं है लेकिन इसमें क्या होगा कि साइमल्टेनियसली एक ही सेकंड में आप 50-100 कार्ड तक भी करवा सकते हैं इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है मतलब इसमें कोई कैपेसिटी नहीं है कि आप इतने ही कार्ड रीड करवाओ 100-200 हजार तक ऐसा हम कर सकते हैं ना अगर सोसाइटी में हम अगर करो यूएचएफ कार्ड जो यूएचएफ रीडर जो है वो सिर्फ रीड करेगा उसके रेंज के अंदर कोई भी यूएचएफ कार्ड आता है तो वो सिर्फ रीड करेगा कि ये वाला नंबर का जो कार्ड है वो उसके रेंज में आया हुआ है वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है वो कौन डिसाइड करेगा कंट्रोलर डिसाइड करेगा तो कंट्रोलर की कैपेसिटी में आपको वहां पे देखनी पड़ेगी कि कितने कंट्रोलर में आपने वो कार्ड ऐड करवाए हुए है। बराबर है और सर ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट कितना रहता है उसको कोई प्रोटेक्शन करना पड़ता है या फिर वो मॉनसून में भी चल रहा है आउटडोर भी लगा सकते हो उसमें कोई इश्यू नहीं है आउटडोर भी इसको लगा सकते हो। या ओके हेलो अच्छा ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो इसी को ऐड करते हुए कि उन्होंने पूछा कि कैपेसिटी कितना है तो दूसरा कि उसका रेंज कितना रीडिंग डिस्टेंस का रेंज और थ्रूपुट कितना है थ्रूपुट इन द सेंस कि अगर समझो कि 100 बच्चे जा रहे हैं या 50 बच्चे जा रहे हैं या 200 बच्चे जा रहे हैं और एक रीडर है तो तकरीब कितने यूजर्स को वो एक सेकेंड में या दो सेकेंड में मीन्स यू नो वो रीडिंग फास्ट कितना है उसका। हाँ वो मैं भाई अगर यू नो दो सेकेंड में पास हो गए तो पूरे 300 कार्ड स्कैन हो गए नहीं वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से काम करता है। तो एक तो इसकी रेंज की पहले बात करें तो इसमें दो रेंज में हमारे पास अवेलेबल है 6 मीटर एंड 12 मीटर। तो 6 मीटर की मतलब की उसके सामने वो 18-20 फीट हो गया तो उससे 18-20 फीट के अंदर कोई भी बच्चा आएगा तो उसको रीड कर लेगा अगर 6 मीटर वाला यूज करते हो 12 मीटर में उसके डबल हो जाएगा। दूसरी चीज बात करें तो यूएचएफ रीडर जो जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है वो ह्यूमन बॉडी को पास नहीं करता है। पहली चीज कि मान लो कि कोई बच्चा आगे खड़ा हुआ है ठीक है उसका वो आगे खड़ा है उसके पीछे कोई बच्चा है उसके गले में जो भी कार्ड वगैरह होगा उसके बीच में कोई अगर ह्यूमन है या कोई बच्चा है तो वो पीछे वाले बच्चे का रीड नहीं करेगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ह्यूमन बॉडी को पास नहीं करती है। पहली चीज समझ रहे हो सर मैं आप क्या करना चाहता हूँ। हाँ हाँ या तो उसी तरह से आप ऐसे पैरेलल कुछ बच्चे हैं 5-7-10 बच्चे पैरेलली एक ही साथ अंदर एंटर होते हैं मान लो कि गेट कुछ बड़ा हुआ है 3 फीट या 5 फीट का जिसमें एक साथ ही 5 बच्चे या 6 बच्चे निकल सकते हो ठीक है तो वो 5 बच्चे का ले लेगा लेकिन उसके पीछे जो होंगे उसका नहीं लेगा वो आगे वाले वो चले जाएंगे उसके बाद वो पीछे वाले आएंगे ना तभी उसका वो रीड कर लेगा। तो पहली चीज हमको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप ये स्कूल में देते हो तो पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कूल के साइड भी हमको सपोर्ट चाहिए कि जिस तरह से आप रेलिंग वगैरह देखते हो आप मंदिर वगैरह में कहीं भी जाते हो तो आप रेलिंग वगैरह देख पाए जिसमें 2x2 ही हम जा सकते हैं या 1x1 या 3x3 ही जा सकते हैं उसमें कुछ रेलिंग किया होता है या तो फिर छोटा गेट आप रख सकते हो तो उस तरह से कुछ सपोर्ट अगर आपको मिल जाता है तो उसकी एक्यूरेसी आपको 100% मिल जाएगी। ओके और उसमें जस्ट इतना मैंडेटरी कि आईडी कार्ड बाहर रखना है गले में लटकाना है गले में लटका होगा तो कोई इश्यू नहीं है अगर ये पैसिव आईडी कार्ड पे ये पैसिव कार्ड पे काम करता है राइट ये अगर आपका कार्ड जो है वो पॉकेट के अंदर या तो फिर बैग के अंदर होगा तो ये रीड नहीं करेगा ये एक्टिव है अगर एक्टिव होता तो ये रीड कर लेता लेकिन ये पैसिव पे काम करता है तो इसको गले में रखना है या तो फिर कहीं खुले में रखना है या तो फिर हाथ में लेके वो जा सकता है बच्चा। ठीक है और दूसरा ये यूएचएफ वाला नहीं अलग क्वेश्चन था जो पहला वाला मेरा क्वेश्चन था कि
अगर समझो कि अभी डेटा पुश टेक्नोलॉजी है तो डेटा सारा सेंट्रलाइज लोकेशन पे तो आ गया, बट काफी टाइम ऐसा भी होता है कि सेंट्रल लोकेशन से एचआर को फिंगरप्रिंट अपलोड डाउनलोड भी करना होता है. नहीं समझो कि दिल्ली में मेरा 3 मशीन है तो तीनों मशीन में फिंगरप्रिंट अपलोड डाउनलोड करना है तो उसके लिए इसमें फिर मेरे को P2P मशीन चाहिए रहेगा. हाँ, उसके लिए अगर एनरोलमेंट आपको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना है तो P2P वाला मशीन लगेगा आपको. ओके, तब बेसिकली मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूँ कि जो नॉर्मल क्लाउड बेस्ड आते हैं डेटा पुश टेक्नोलॉजी वाले जो डिवाइसेस आते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन करते हैं. इसमें क्या मिलेगा कि मशीन के साइड से जो डेटा है वो सर्वर पे पुश होता रहेगा, ठीक है, नॉर्मल वाले डिवाइस में. लेकिन P2P वाले डिवाइस क्या है कि आप सर्वर के साइड से मशीन को कमांड दे सकते हो और मशीन जो है वो सर्वर पे डेटा पुश कर सकता है. मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा. नॉर्मल डिवाइस में वन वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब कि मशीन के अंदर जो डेटा है वो सिर्फ सर्वर पे पुश होगा. सर्वर की साइड से आप नॉर्मल डिवाइस को कुछ कमांड वगैरह नहीं दे सकते हो. Understood. हाँ, यानी जहाँ पे मेरे को फिंगर मैनेजमेंट भी करना है सेंट्रल लोकेशन से, हाँ, तो फिर मेरे को P2P डिवाइस वाला मशीन देना पड़ेगा. राइट राइट सर, राइट, ठीक है. या थैंक यू. और किसी को क्वेश्चन डाउट्स वगैरह तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, अगर आपको और जानकारी चाहिए या तो फिर इसका प्राइसिंग रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी है इसमें एक्सटर्नली, आप इन फ्यूचर कभी भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप कभी भी उसको कॉन्टैक्ट कर पाओगे. दूसरी हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके आप ये सारे मॉडल सारे प्रोडक्ट का डिटेल वगैरह आप वहाँ से देख पाओगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.